ये जो 45-50 साल की आंटियां फेसबुक पे अपनी 20-25 साल पुरानी फोटो लगा के मासूम जवान लड़कों को गुमराह करके मजे लेती है ना, इसी को डिजिटल आतंकवाद कहते हैं। वेलकम बैक दोस्तों टू द फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ थोड़ा सा हंस लो। दोस्तों वैसे पति तो बॉन सुंदर होते हैं, है कि नहीं? वरना आप बताओ, घर में दो दो लोगों के पार्लर जाने का खर्चा कितना महंगा पड़ता। एक दिन मेरी बीवी ने मेरी फेसबुक प्रोफाइल चेक कर ली, गुस्से से मेरे पास आई और बोली, ये तुम विदेशी लड़कियों से चैटिंग क्यों करते हो? वैसे तो मैं फंस गया था, लेकिन ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना अपने को बहुत अच्छी तरह आता है। मैंने कहा, अरे बीवी मेरी जाने मन मेरी जान, मैं चैटिंग थोड़ी करता हूँ, मैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुधारने में मोदी जी की मदद कर रहा हूँ। बीवी मुस्कुराई और वो दिन है कि आज का दिन है, वो अपनी सारी सहेलियों को ये बात बड़े फख्र से बताती है। वैसे तो मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बस जरा सी शक्की है। अब एक दिन का किस्सा सुनाऊं। बीवी ऑफिस से थोड़ी सी जल्दी घर आई, बेडरूम में गई, उसने देखा कंबल में चार पैर है, दो मर्द के दो औरत के। गुस्सा हो गई, आओ देखा ना ताओ, कोने में पड़ा क्रिकेट का बैट उठाया और दे मारना शुरू कर दिया। बहुत देर तक मारती रही और जब थक गई पानी पीने के लिए किचन में आई। किचन में उसने देखा कि मैं तो बाहर बालकनी में खड़े होकर फोन पे बात कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही उसे देखा मैंने कहा, अरे तेरे भैया भाभी आए हैं, बेडरूम में सोए हैं, जाके मिल ले। बीवी वही बेहोश। सो भैया मॉरल ऑफ द स्टोरी, करो शक पछताओ। एक दिन टीचर ने पप्पू से पूछा, पप्पू बताओ तुमने अगर अपने दोस्त को 500 रुपये दिए लेकिन उसे सिर्फ 200 रुपयों की जरूरत है तो वो तुम्हें कितने रुपये वापस करेगा? पप्पू बोला, एक भी नहीं। टीचर बोले, अरे ये क्या, तुम इतना सा गणित नहीं जानते? पप्पू बोला, सर मैं तो गणित जानता हूँ लेकिन आप मेरे कमीने दोस्तों को नहीं जानते। एक दिन मुझे एक बाबा जी मिल गए। मैंने पूछा, कैसे हो बाबा जी? वो बोले, मैं तो ठीक हूँ बेटा, हम तो साधु लोग हैं, हमारा राम हमें जैसे रखता है हम वैसे रहते हैं। तुम तो ठीक हो ना बेटा? मैंने कहा, बाबा जी हम संसारी लोग हैं, हमारी सीता हमें जैसे रखती है हम वैसे रहते हैं। मित्रों नहीं सॉरी दोस्तों, ये पत्नियां बड़ी चालाक होती है, हमारी नस नस से वाकिफ होती है। अब एक शाम का किस्सा सुनाऊं आपको। मैं रात को अपने बेडरूम में बैठे लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, पत्नी जी मेरे बगल में लेटी हुई अपने मोबाइल पे कुछ कर रही थी। बीच में अचानक बोली, डार्लिंग जरा फ्रिज में से एक बोतल ठंडा पानी लेके आओ। मैं गुस्सा हो गया, मैंने कहा, अरे यार देखती नहीं हो इतना इंपॉर्टेंट काम चल रहा है मेरा, तुमको पानी पीना है जाओ खुद लेके आओ, उठो। मैं नहीं गया। तभी अचानक मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज की रिंगटोन बजी। मोबाइल मैंने फ्रिज के ऊपर चार्जिंग के लिए रखा था। मैं फटाक से उठा और वहां गया, वहां मैसेज आया हुआ था, अब वहीं से वापस आते हुए एक बोतल पानी लेके आना, तुम्हारी अपनी प्यारी पत्नी। कसम से यार एक मिनट के लिए तो रोना आ गया मेरे को। दोस्तों 31 दिसंबर की नाइट, जश्न की रात, सब लोग धूमधाम से मनाते हैं, खाते पीते नाचते गाते सब करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जस्ट इमेजिन, देखना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर बापू का जन्मदिन 2 अक्टूबर के बजाय 31 दिसंबर को आता तो? दोस्तों आजकल के डॉक्टरों से तो भगवान ही बचाए। एक दिन एक पेशेंट ऑपरेशन के बाद उसने जैसे आंखें खुली उसने पूछा, डॉक्टर साहब क्या अब मैं घर जा सकता हूँ, क्या मैं रोगमुक्त हूँ? सामने से आवाज आई, स्मार्ट बॉय डॉक्टर तो धरती पे ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ। दोस्तों आज की सोसाइटी व्हाट्सएप पीड़ित सोसाइटी है। आप पूछोगे कैसे? उदाहरण के तौर पे एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन एक अस्पताल में एक पूरी फैमिली देखने गई थी, उनके घर की बहू को बच्चा होने वाला था। थोड़ी देर बाद नर्स बाहर आई और बोली कि माँ बेटा दोनों स्वस्थ हैं, और ये कह के उसने बेटे को उसके पिता के हाथ में दिया। पिता ने दादी के हाथ में दिया, दादी ने दादा के हाथ में दिया, दादा ने चाचा के हाथ में दिया, चाचा ने चाची के हाथ में दिया, चाची ने मौसी के हाथ में दिया, मौसी ने मौसा के हाथ में दिया, मौसा ने फूफा के हाथ में दिया, फूफा ने फूफी के हाथ में दिया, फूफी ने नानी के हाथ में दिया, नानी ने नाना के हाथ में दिया। तभी छोटा चाचा आया, उसने उसके हाथ में दिया। नर्स बोली, अरे हेलो ये क्या कर रहे हो, ये क्या चल रहा है? पूरी फैमिली व्हाट्सएप पीड़ित थी,
बोली अरे कुछ नहीं, ये मार्केट में नया है ना, तो इसको एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। दोस्तों पिछले इलेक्शन की बात है, एक बुढ़े चाचा वोट डालने गए। वोटिंग करने के बाद बाहर आए और वहाँ पूल बूथ एजेंट होता है, उससे पूछे कि बेटा तेरी चाची वोट डाल के गई क्या? उसने लिस्ट चेक करी और बोली हाँ चाचा वो तो करके चली गई। चाचा थोड़े दुखी हुए, यार काश मैं थोड़ी देर पहले आता तो उससे मिल पाता। वो एजेंट ने पूछा क्यों चाचा, आप लोग साथ नहीं रहते क्या? चाचा बोले अरे बेटा उसको तो मरे 15 साल हो गए, लेकिन हर बार वोटिंग करने आती है और हर बार हम मिलते मिलते रह जाते हैं। वो एजेंट वहीं बेहोश हो गया। एक मतदाता मतदान करने गया और ईवीएम मशीन के सामने जाके खड़ा हो गया। काफी देर तक खड़ा वो कुछ सोच रहा था। पोलिंग ऑफिसर को ये बात ध्यान में आई, उसने उससे पूछा क्या सोच रहे हो बरखुरदार? मतदाता ने कहा चाचा याद करने की कोशिश कर रहा हूं, रात को किसने पिलाई थी, कौन सी पार्टी थी, याद ही नहीं आ रहा। दोस्तों 31 मार्च का टारगेट और उस टारगेट की टेंशन किसको नहीं होती। ऐसा ही एक ताजा किस्सा आपको सुनाता हूं। सिग्नल पे रेड लाइट था और एक गाड़ी ने रेड लाइट जंप कर दी, उसके पीछे पीछे 4-5 गाड़ियों ने और जंप कर दी। पुलिस ने पहले वाले को जाने दिया, बाकी 4-5 को पकड़ लिया। उन लोगों ने बोला अरे उसको कैसे छोड़ा, हमें क्यों पकड़ा? पुलिस वाले बोले वो हमारा ही आदमी है, वापस घूम के आएगा, वापस रेड लाइट जंप करेगा और तुम जैसे 4-5 कमीनों को पकड़वा के देगा, हमको भी तो टारगेट पूरा करना है भाई, 31 नजदीक आ रहा है। दोस्तों गांव के लोग बड़े भोले भाले होते हैं। एक दिन मेरे गांव से कुछ लोग मेहमान मेरे घर पे आए, मैंने उनको मुंबई घुमाई और एक शादी की रिसेप्शन में ले गया। वहां जाने के बाद मैंने उनको खाने के काउंटर की तरफ छोड़ दिया, मैंने कहा जाइए आप लोग खाना खा लीजिए। वो लोग अंदर गए, वहां जाके उन्होंने देखा कई सारी प्लेट में खाली सलाद काट के रखा है, तुरंत बाहर आ गए। मैंने पूछा क्या हुआ ताऊ जी, खाना नहीं खाया क्या? वो बोले बेटा अभी तो सब्जी बनी को ना है, खाली काट के रखी है। एक दिन एक आदमी भगवान से मिला, उसने पूछा भगवान आपके लिए 100 साल कितने होते हैं? प्रभु बोले 1 सेकंड के बराबर। और बोले 100 करोड़ रुपए? बोले फूटी कौड़ी के बराबर। उस आदमी चालाक था, उसने बोला भगवान आप मुझे बस एक फूटी कौड़ी दे दो। प्रभु बोले तुरंत ले लो, 1 सेकंड में देता हूँ। भाई साहब इस बात को 60 साल हो गए, वो आदमी अब तक इंतजार कर रहा है, फूटी कौड़ी नहीं मिली। मेरे एक शुभचिंतक दोस्त ने मुझे सलाह दी कि वाइफ से बहस से नहीं जीतो, उसे अपनी मुस्कान से हराओ। मुझे अच्छा लगा, मैंने उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। जब भी मेरी और वाइफ की बहस होती मैं मुस्कुरा देता। भाई साहब इसका भी उल्टा असर हो गया, एक दिन बीवी ऐसे ही बोल दी बहुत मुस्कुरा रहे हो आजकल, किसका भूत चढ़ा है मुझे उतारना पड़ेगा। यार इन पत्नियों की वैक्सीन बनाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। दोस्तों मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ लोग जब दुखी होते हैं तो व्हाट्सएप से अपनी डीपी मतलब अपनी फोटो हटा देते हैं। यार ऐसा कौन सा दुख है जिसमें अपनी शक्ल अपने को खराब लगने लगती है? आपको पता हो तो बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना और तब तक देखते रहो, थोड़ा सा हंस लो।